छत्तीसगढ़ जिला बालोद के अंतर्गत ग्राम भरदा कलग गांव में 16 नवंबर को शासन के द्वारा धान खरीदी का कार्य शुरू किया गया, जिसमें धान किसान ले जा रहे थे लेकिन बजरंग है करके धान वापस कर रहे हैं, धान को खरीदी नहीं कर रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वर्षा के कमी के कारण इस समय धान की फसल सही नहीं है तो किसानों को कर्ज चुकाने में भी समस्या आ रही है। धान बेचने के लिए आया हूँ सोसाइटी में, तो बजरंग है करके सोसाइटी कर्मचारी लोग बोल रहे हैं। तो बजरंग क्यों हुआ? पानी नहीं गिरा ना, पानी के वजह से हुआ है बजरंग। वापस ले नहीं ले जा रहे हैं, कर्जा भी पटाना है ना। तो क्या करेंगे लोग नहीं खरीद रहे हैं तो? नहीं खरीद रहे हैं तो कर्जा नहीं देंगे सरकार को। उपार्जन केंद्र में साफ सुथरा कंकर मिट्टी हीन धान खरीदा जा रहा है। यहाँ धान खरीदी करने में गुणवत्ता में कमी के कारण थोड़ा परेशानी हो रही है। धान साफ सुथरा नहीं आ रहा है। तो जब उनका धान यहाँ सोसाइटी में नहीं लिया जा रहा है तो कैसे धान का कर्जा पटेगा? नहीं, सोसाइटी में तो लिया जा रहा है, एकदम ही खराब धान को तो नहीं दे सकते, हमको कानूनी भी परेशानी आएगी। कानूनी क्या परेशानी आ रही है? मान लो धान वापस हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी समिति के प्रबंधक की हो जाए, जिससे वो समिति प्रबंध उनको वहन नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को मैं इसलिए बनाई हूँ कि मेरा कुछ धान हुआ था, उसे सोसाइटी लेके गई थी लेकिन मेरा धान नहीं खरीदा गया और मेरे जैसे कई किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा था। इस समस्या को लेकर के मैंने नोडल अधिकारी को फ़ोन किया, समिति प्रबंधक से बातचीत की और समिति की सभी मेंबरों से बातचीत की, फिर समिति के लोग आए और धान की जांच भी किया गया। उसके बाद भी मेरा धान नहीं खरीदा गया और लोगों का धान नहीं खरीदा गया, इसलिए मैं वीडियो देखने वाले लोगों से अनुरोध करती हूँ कि राजेश राणा जिला बालोद जिला कलेक्टर का नंबर है 7749223999, इस नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं। मैं भान साहू छत्तीसगढ़ इंडिया अनहट के लिए।